आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा गणतंत्र दिवस की झांकी को करें शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा, चुनाव प्रचार की रणनीति क्या करेंगे चर्चा। पीएम मोदी आज करेंगे सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का उद्घाटन। यूसुफ पठान ने एशिया लॉन्स को पूरी तरह धोया, 200 स्ट्राइक रेट से रन बनाकर इंडिया महाराजस को दिलाई जीत। देश में कोरोना की रफ्तार तेज, कर्नाटक में 47,000 और दिल्ली में 12,000 से ज्यादा मामले। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के गांव शिवाला कला में शमशान और मंदिर मार्ग पर कीचड़ और जलभराव का अंबार बना हुआ है, जिसको लेकर कल ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए खैर विधायक अनूप प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही विधायक अनूप प्रधान का पुतला दहन किया। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान न होने तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जब तक सड़क नहीं बनेगा तब तक कोई वोट नहीं दिया जाएगा। आने वाले विधानसभा 2022 के 10 फरवरी को होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हमारी ये समस्या है कि हम यहाँ से अपने कोई हमारी मर जाता है कोई बुजुर्ग लोग, तो हम उसको लेके जाते हैं तो हम रास्ता में गिर जाते हैं, डेड बॉडी गिर जाती है और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3-4 बार एसडीएम को मंगल दिवस में हम दे चुके, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है रास्ता के लिए। आई समझ में? और अब के बाद में कोई हमारे यहाँ कोई भी विधायक या कोई आएगा, हम उसके लिए चुनाव के लिए बहिष्कार करेंगे। समस्या है जी, पानी यहाँ भरे रहे हैं ठिया। किस कौन सा रास्ता बोला जाता है? ये शमशान का रास्ता है। ये शमशान के लिए जाएं और बॉडी जो मरे भाई मुर्दे ले जाएं, जाए परे परेशान है जाएं और एक आदमी के शिकायत भी करिए तो मुई ते मुई सुलझा ले। एक आदमी ना चाहे और परेशान हम सब हो, जंगल पर है रात बरात में जा में गैया बजान नकू गिरे मरे यहाँ ठिया। बड़े बूढ़े आदमी है, देखो बड़े बूढ़े आदमी पानी में गैया न बांधे यार पूछ करे। अच्छा, खबर औरैया जिले के बिथुन से है, जहां आईजी व पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी 19 जनवरी को दंपति व युवक की हत्या के मामले में घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। इसमें दो बुजुर्ग लोग मृत पाए गए थे, आज उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेट कर रहे हैं। मृत्यु के जो भी कारण हैं, जो घटना के पॉसिबल कारण हो सकते हैं, उन सारे कारणों का को समझने के लिए और क्या कारक हो सकते हैं, कहां से हो सकते हैं, उनके लिए मैं आया था। मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और उचित दिशा निर्देश जो हैं लोकल पुलिस को दिए जा रहे हैं। घटना अलीगढ़ के महावीरगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति कभी उसके पत्नी के फोन पर फोन करता है तो कभी उसके मां के फोन पर गाली गलौज करता है और हथियारों के साथ फोटो भेजता है। बदले में 10 लाख रुपए की मांग करता है। न देने की स्थिति में वो उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। युवक ने थाने में मामला दर्ज कराया और बताया कि धमकी देने वाले संदिग्ध व्यक्ति ने उसके पिता को और उसके साथियों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। मामला यह है कि मेरी वाइफ के नंबर पे पिछले 10 दिन से एक नंबर से कॉल आ रहा था। मेरी वाइफ उसको उठाती है तो उसको बदतमीजी बोलता है। बदतमीजी बोलने के साथ साथ उसको ये बताता है कि मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ, अपने फोन से व्हाट्सएप फोन नंबर से वाइफ को हथियारों की तस्वीरें भेजता है और हथियार स्क्रीन शॉट लगा के कुछ काट देता है, मगर वो स्क्रीन शॉट मेरे पास अवेलेबल है। उसके 5-7 हमारे पिताजी, मेरे पिताजी पुलिस में, उन्होंने फ़ोन किया तो समझाया तो उसने कुछ नहीं बोला, ठंडा हो गया मैटर। हमने ठीक है कोई बात नहीं, कोई छोटी छोटी बातें होती रहती। पिछले 2-3 दिन पहले मम्मी के नंबर पर फ़ोन आया और फ़ोन आके वो मम्मी से बोलता, मैडम कहाँ से बोल रही हो और क्या हाल है, ये है वो है फलाना टिमका। तो बोली भाई तू कौन बोल रहा, तू बता से, मैं तो बालक तेरे जैसे, तू इस तरह की बातें क्यों बोल रहा है।
तो मम्मी से बोलता है मैडम तुझे नहीं पता तेरे बेटे को मार दूंगा नहीं तो 10 लाख रुपए दे। और बोले कहे आ तो जा मैं 10 लाख जमी तो दूंगी। तो उस तरह की बातें मम्मी से बोला। फिर हमने सोचा कि ये मामला संगीन है, इसके नंबर पर FIR मुकदमा जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उचित कार्रवाई के उपलक्ष्य में SSP साहब से मिलने आया हूं। अभी SSP साहब नहीं है मगर। खबर बांदा से है जहां विधानसभा चुनाव के चलते जनपद में आए दिन पुलिस बैरियल में वाहन चेकिंग हो रही है। इस दौरान कार से पुलिस ने 8 लाख रुपए कैश पकड़ा है। बता दें कि कार चालक शहर कोतवाली के इंदिरानगर के रहने वाला है जो गाड़ी में रखे कैश का ब्यौरा नहीं दे पाया, जिसकी CO सिटी राकेश सिंह ने FST टीम को सूचना दी और आगे की जांच में जुट गए। आज संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग कैश शराब असलाह के संदर्भ में की जा रही थी। इसी दौरान थाना कोतवाली देहात गेट के सामने एक बोलेरो से दुर्गेश तिवारी निवासी इंदिरा नगर नामक व्यक्ति के पास से 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसको FST टीम को बुला करके। रायबरेली में बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घने कोहरे और वन वे ट्रैफिक के चलते दो गाड़ियों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार निषाद पार्टी युवा मोर्चा मिर्जापुर के कार्यकर्ता किशन निषाद दीपक निषाद अपनी गाड़ी UP से पार्टी कार्यालय लखनऊ लेके जा रहे थे। दोनों सिपाहियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना घना कोहरा और एक तरफा मार्ग संचालन बताया जा रहा है। लोग मिर्जापुर से निकले थे और बछरावा के पास में करीब पहुंचे थे और हम लोग निषाद पार्टी कार्यालय की लखनऊ माले बनने के लिए जा रहे थे और रोड वन में हुआ था। एक रोड बन रही थी और हम लोग रॉन्ग साइड थे, लेकिन हमारी गाड़ी एकदम स्लो थी कि हम लोग रॉन्ग साइड है, लेकिन ये गाड़ी इतनी ओवर स्पीड में थी और कोहरा भी था, लेकिन इतना ओवर स्पीड था कि सीधा आके टक्कर मार दिया। कितने लोग चोट हुए? हम लोग में जैसे हम लोग 3 लोग हैं। खबर अलीगढ़ से है जहां सगे भाई ने की अपने छोटे भाई की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा है। तो वही मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। SP देहात ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। बहुत जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, ये थाना खैर की कल की घटना है जिसमें दो भाइयों के बीच आपस में विवाद हो गया था किसी बात को लेकर, उनमें ही मारपीट हुई और एक भाई ने दूसरे को गंभीर चोट से गंभीर हथियार से मारा और उससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है शीघ्र। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें अयोध्या क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम व कुमारगंज पुलिस को दो शातिर टप्पेबाज लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस जब इटौंजा मोड़ पर चेकिंग कर रही थी तभी बाइक पर सवार दो बदमाश भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध असलहा, 2 कारतूस व मोटरसाइकिल और नगद रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए शातिर अपराधियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों अपराधी थाना मवई क्षेत्र के रहने वाले हैं। स्वाट टीम और थाना कुमारगंज टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए दो शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। दोनों जनपद अयोध्या के थाना मवई क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके द्वारा 14 तारीख को थाना कुमारगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बैंक से कैश निकाल के लाया था 45,000 रुपया, उसको बैग में रखा था, उसका ध्यान भ्रमित करके उसके बाइक के हैंडल से वो चुरा के भाग गए थे। प्राप्त जानकारी के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, 35,000 रुपये कैश, असलहे, कारतूस, साथ ही साथ जो व्यक्ति का झोला था उसमें उसके आधार कार्ड, ATM कार्ड इत्यादि अन्य डॉक्यूमेंट्स भी थे। जनपद बांदा में एक दैनिक अखबार की जिला संवाददाता के सगे भाई से दबंग गुंडों ने मारपीट की, साथ ही पत्रकार के भाई का मोबाइल और पैसे छीन लिया। बता दें कि युवक जब क्रिकेट खेलने गया था युवक के साथ गुंडों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से की मामले की शिकायत की है। मामले पर CO सिटी ने कहा कि घटना की जाँच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट हुई है और ये कुछ पुराने गुंडे हैं
और लूट वूट करते हैं ये लोग, तो हमारे को मारा है डेवी कॉलेज के अंदर और मेरा मोबाइल छीना है। जब मेरे साथी बचाने आए मुझसे मोबाइल छीन के पैसा छीन के भाग गए, मोबाइल वोबाइल छीन के। ये है आसिफ गिरदारी, उजैफा और सादिक बिल्लर और कल्लू, गौतम, बुल्लू और तीन चार अज्ञात। काफ़ी टाइम से लोग मेरी घात लगाए बैठे थे। अच्छा, और जान से मारने की धमकी देते हुए भागे ये। डी ए वी इंटर कॉलेज के मैदान पर इश्तियाक खान निवासी मर्दन नाका नामक युवक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इस संदर्भ में जांच कर आवश्यक। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 2005 से पहले की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के बयान के बाद राज्य कर्मचारी ने इसका स्वागत किया है। कर्मचारी ने कहा कि जो पेंशन की बात करेगा वही राज करेगा। अखिलेश जी ने हमारी पीड़ा को समझा, हम उसका स्वागत करते हैं। 2004 से विभिन्न विभागों के कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रही है, ये कर्मचारी के साथ अन्याय है। आज राजनेताओं को पेंशन मिलती है, चाहे वो चुनाव जीत का 2 साल रहे या 5 साल रहे। सभी पार्टियों को ऐसी घोषणा करनी चाहिए, जो भी सरकार बनाए उसे तत्काल पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। सर देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि न धर्म न जाति पर, इस बार पेंशन की बात पर। हम शिक्षक कर्मचारी पूरे प्रदेश के और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, यानी ओपीएस अठेवा के बैनर तले 5 राज्यों में। हम लोगों ने एक बात कही कि जो हमारी पेंशन की बात करेगा हम उसका साथ देंगे। अखिलेश जी ने हमारी पीड़ा को महसूस किया, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और निश्चित रूप में इस हमारे मुद्दे को उन्होंने उठाया है, अपने घोषणा पत्र में लिया है। हम सब शिक्षक कर्मचारी उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। देखिए, हमारी शिक्षक संगठन और कर्मचारी संगठन मिलकर के विगत 10 वर्षों से ही पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी। लखनऊ के इको गार्डन में लाखों लाख की संख्या में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद भी सरकार ने उसको अपने मैनिफेस्टो में या लागू करने का काम नहीं किया। माननीय अखिलेश जी ने आज अगर पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बड़ा कदम उठाया तो जरूर कर्मचारी और शिक्षक उनके साथ आगे बढ़ करके और इस लड़ाई में अगर और भी अभी भी समय है, अगर कोई भी दल हमारा साथ देने को तैयार है तो जरूर शिक्षक और कर्मचारी उनके बातों पर अमल करेगा और आने वाले समय में कर्मचारी शिक्षक पुरानी पेंशन के नाम पर अपना वोट देगा। हमारा संगठन पिछले 5 साल से अनवरत कार्यक्रम कर रहा था पुरानी पेंशन को लेकर के। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा यह घोषित किया गया था। अमिताभ अग्निहोत्री जी को उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि जो भी हमारे मैनिफेस्टो में ले आएगा, जो भी ये घोषणा करेगा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, शिक्षक कर्मचारी समस्त उनके साथ सहयोग करेंगे, उनके तरफ ही जाएंगे, उन्हीं की जय जयकार करेंगे। तो अगर अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि समाजवादी सरकार बैठेगी और समाजवादी सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी, तो निश्चित ही जान लीजिए कि जनपद नहीं पूरे प्रदेश का शिक्षक और कर्मचारी समाजवादी पार्टी को सहयोग करेगा। पेंशन किसी भी कर्मचारी की एक रॉयल्टी होती है। कोई भी कर्मचारी अपने जीवन का जवानी का समय 30-35 वर्ष देता है, तब उसे वो रॉयल्टी के रूप में एक पेंशन मिलती है। 2004 से हमारे कर्मचारियों को, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। यह अन्याय है और जबरदस्ती है। आज राजनेताओं को पेंशन मिल रही है, चाहे वो शपथ ग्रहण करने के बाद 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं, उन्हें पेंशन मिलती है। एक नहीं, अगर एक बार विधानसभा सदस्य हुए हैं, लोकसभा सदस्य हुए हैं, तो उन्हें पेंशन मिलती है और कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है। क्यों? यह एक जवाब है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। एक पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियों के मुखियाओं से मैं चाहूंगा कि सबको ऐसी घोषणा करनी चाहिए और जो संजोग से, सौभाग्य से जो सरकार बनावे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मैरिस रोड स्थित हरियर कांग्रेस प्रभारी और कोल सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक बंसल पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विवेक बंसल ने जानबूझकर खैर और इगलास आदि विधानसभा में टिकट रुकवाने का काम किया और बाद में 80 लाख रुपए लेकर उन टिकटों को बेच दिया, जिससे पूरे समय मनोवेग से काम करने वाले कार्यकर्ता निराश है। ये इसलिए फूका गया कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमने अपने सारी उम्र इसमें लगा रहे हैं, अपनी जवानी इसमें लगा रहे हैं, झोंक रहे हैं, और ये जो सीटों को बंटवारे के तौर पर इन्होंने बेच दिए सीटें। इन्होंने रातों रात प्रीति धनगर को लेके आए, जो कि रालोद से टिकट मांग रही थी, उसको यहाँ लेकर आए
और जो कार्यकर्ता इतनी सालों से मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना इसमें दे रहा है, उन मुकेश धनगर जी और इसमें विवेक बंसल जी और इसमें तौकीर आलम, इन तीनों ने मिलकर 80 लाख रुपए लेकर रात और रात प्रीति धनगर को लेके आए और उनको टिकट दिलाकर और उनको आज फॉर्म इगलास से टिकट बढ़ा दी। और जबकि नितिन चौहान वाल्मीकि का नाम ऊपर से आ चुका था और उनको फोन भी आ चुका था कि आपकी टिकट हो चुकी है। अब हम एक भी विधानसभा पर जहाँ भी विवेक बंसल जी ये भूल जाए कि उनका कुछ होगा नहीं, जिस किसी भी गली मोहल्ले में वो जाएंगे, जहाँ भी वाल्मीकि समाज है, जूतों की माला लेकर उनका स्वागत होगा और ये भूल जाए, उन्हें कदम भी नहीं रखने देंगे एक भी वाल्मीकि मोहल्ले में। करते हैं हम कांग्रेस हाईकमान से कहना चाहते हैं कि नितिन चौहान वाल्मीकि को टिकट दी, जब उन्होंने आवेदन कराया हर तरह के कांग्रेस प्रत्याशियों को टिकट नहीं करे। आप कहते हो कि कांग्रेस को मजबूत करें, मजबूत करें, संगठन के लोग मजबूत करें, आपने कहाँ से हाईकमान पता नहीं कहाँ से लेकर उसको एक रात किसी में भेज दिया। हमारा पुरजोर विरोध है और आगे भी विरोध रहेगा, और अगर नितिन चौहान वाल्मीकि को टिकट नहीं दी गई तो हमारा आगे भी विरोध होगा। और अलीगढ़ की सातों सीट से क्या हम अलीगढ़ का आह्वान करते हैं, अलीगढ़ की सातों सीट से हारेंगे हारेंगे पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को। तो यह रही अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।